असली लाइव वीडियो। शीतल महात्रे और प्रकाश सुर्वे मामले पर वरुण सरदेसाई का बयान। इस बयान से शीतल महात्रे और प्रकाश सुर्वे वीडियो मामले ने युवा सेना नेता वरुण सरदेसाई के बयान से अलग मोड़ ले लिया है। वरुण सरदेसाई ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब शिवसेना के ठाकरे समूह के कार्यकर्ताओं को शीतल महात्रे वीडियो मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। शीतल महात्रे का वायरल वीडियो मॉफेड है तो असली वीडियो कहाँ है, सरदेसाई ने यह सवाल पूछा है। वरुण सरदेसाई नागपुर के दौरे पर हैं। मीडिया से बात करते हुए शीतल महात्रे ने वायरल वीडियो को लेकर सवाल पूछा। शीतल महात्रे वायरल वीडियो मामले में आदित्य ठाकरे के विश्वास पात्र साईनाथ दुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देसाई से पूछा गया है कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए देसाई ने कहा कि राज्य में कई मुद्दे हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक ही मुद्दे पर बात करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर भी मैं इस पर कहूंगा कि क्यों ये सवाल पूछा गया है। आमचं सरकार गेल्यानंतर गेल्या 8 महिन्यांमध्ये आपण पाहत असाल तर अनेक निष्ठावंत शिवसैनिक जे उद्धव ठाकरे साहेबांच्या सोबत खंबीरपणे उभे राहिलेले आहेत त्यांच्यावर दररोज आरोप होतात, दररोज त्यांच्यावर कारवाया होतात। फक्त आपल्या राज्यातच नाही तर आज संपूर्ण देशभरात जर तुम्ही कुठलंही वर्तमानपत्र किंवा आपले जर चॅनेल जरी पाहिले तरी दर दुसरी बातमी ही कुठल्या तरी विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर ईडी आयटी किंवा पोलिसांच्या मार्फत होणाऱ्या कारवाई संदर्भात असते। हेच लोक जेव्हा भाजपमध्ये जातात किंवा त्यांच्या सहयोगी पक्षामध्ये जातात त्यावेळेला या सगळ्या कारवाया बंद होतात आणि त्यामुळे हे जे काही सगळं सुरू आहे हे जनता पाहते, जनतेला हे रुचलेलं नाही आणि जनतेला हे रुचलेलं नाही म्हणूनच आत्ता झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा भाजपला तुमच्या या नागपूरमध्ये ज्याला भाजप स्वतःचा गड मानते त्या गडामध्ये सुद्धा त्यांना पराभव पत्करावा लागला, अमरावतीमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि 27 वर्ष बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या कसब्यामध्ये सुद्धा त्यांना पराभव पत्करावा लागला। असे जर त्यांचे बालेकिल्ले महाविकास आघाडीसमोर ढासळत असतील तर NBC News के लिए अजित कुवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।